मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रीति कोहली विल बी एक्सप्लेन चैप्टर टू द राइज ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का उदय। इन सर्च ऑफ सी रूट टूवर्ड्स द ईस्ट, सेवरल पीपल फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्रीज लाइक द ब्रिटिश, फ्रेंच, डच एंड पोर्तुगीज स्टार्टेड सी वॉयस। सी रूट की तलाश में ईस्ट से बहुत सारे लोग वेस्टर्न कंट्रीज के, जैसे ब्रिटिश हैं, फ्रेंच हैं, डच और पोर्तुगीज, ने समुद्री यात्रा स्टार्ट की थी। दे नेचुरली बिकेम ए राइवल ऑफ ईच अदर। ये सभी लोग आपस में स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के राइवल या विद्रोही हो गए थे। क्यों हो गए थे? क्योंकि ब्रिटेन इमर्ज विक्टोरियस एंड ट्रांसफॉर्म इट्सेल्फ फ्रॉम अ ट्रेडिंग कंपनी टू एन इम्पीरियलिस्ट नेशन दैट रूल इंडिया। इंडिया पर उसने रूल किया कि लगभग 200 साल तक उसने यहाँ पर अपना शासन स्थापित किए रखा। इसलिए जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो चार्टर दिया गया था, उसके द्वारा उन्हें यहाँ पर अपना ट्रेड करने की अनुमति मिल गई थी और इसके अकॉर्डिंग उन लोगों ने अपना जो एस्टेब्लिश दिया सेटलमेंट एंड फैक्ट्रीज एट मोस्टली पट्टनम, पटना, ढाका, फोर्ट सेंट जॉर्ज, बॉम्बे एंड सुतानती, कलिकाटा एंड। इन लोगों ने अपनी जो यहाँ पर जो अपनी फैक्ट्रीज थी यहाँ पर स्थापित की। कलिकाटा एंड गोविंदपुर वर जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ नोन एज कोलकाता। जो कालीकट है और गोविंदपुर में, यहाँ पर दोनों को ज्वाइन करके एक नया शहर बना जिसको हम कलकत्ता के नाम से और आज हम कोलकाता के नाम से उसको जानते हैं। इस तरह से वो एक फरमान मिल गया था कि जो भी कस्टम ड्यूटीज हैं बंगाल में वो कंपनी के द्वारा पे की जाएंगी। 1717 में एक और मुगल था जो फर्रुख शियार, उसने भी इन्हें दूसरा फरमान देकर इनके व्यापार को स्वीकार कर लिया। इस तरह से इनका जो वो एक्सटेंड था, व्यापार एक्सटेंड होता चला गया और इन्हें इस तरह से प्रिविलेजेस गुजरात में भी पश्चिम में मिल गया था। वो इस्टेब्लिश होने से पहले ही भारत में यहाँ पर पोर्तुगीज कंपनी भी ने भी यहाँ पर अपना जो कॉमर्शियल व्यापार है और पॉलिटिकल राजनीति या शक्ति को भी यहाँ पर वेस्टर्न कोस्ट में इंडिया कर लिया था। द टू हैड स्टार्टेड एस्टेब्लिशिंग देयर ट्रेडिंग फैक्ट्री। डच लोगों ने भी अपने यहाँ पर व्यापारिक फैक्ट्रियाँ जमा ली थी। अब था नेक्स्ट था यूरोपियंस ने यहाँ पर इंडिया में सिल्क, टेक्सटाइल, इंडिगो और सॉल्ट पेट्री, जो कि एक डिमांड थी यूरोप में, इन सब की बहुत ज़्यादा डिमांड थी ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड में। इन अरब ट्रेडर्स कंट्रोल दिस ट्रेड, उन्होंने सी रूट के ऊपर कंट्रोल कर लिया था। इस तरह से उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया तुर्क और यूरोपियंस के बीच में, और इस तरह से जितना भी गुड्स है वो उसकी डिमांड यूरोप में बहुत ज़्यादा थी और वेस्टर्न ट्रेडर ने डिसाइड किया कि एक नया सी रूट इंडिया से व्यापार के लिए इस्टेब्लिश किया। द फर्स्ट यूरोपियन ट्रेडर टू डिस्कवर ए न्यू सी रूट टू इंडिया वर द पोर्तुगीज। इस तरह से सबसे पहले जो सी रूट डिस्कवर किया था उनमें पुर्तगालीज थे। दे वर फॉलोड बाय द डच, द इंग्लिश एंड द फाइनली द फ्रेंच। इन लोगों ने इनको फॉलो किया। प्राइमरी एम वॉज टू कैप्चर द प्रॉफिट रेजिंग मार्केट ऑफ एशिया। इस तरह से यहाँ पर
ली थी। और ये जो उनका प्राइमरी या सबसे पहला उद्देश्य यही था कि एशिया में अपना मार्केट कैप्चर करना और वहां से प्रॉफिट उठाना ही इनका मेन उद्देश्य रहा था।